सिट्टू प्रकट हो गया। सिट्टू का सलाम पहुंचे आप तक, नहीं पहुंचा तो घर आगे ले जाना। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इधर कैसे आया, मैं इधर से आया। मेरे को मेरी दादी ने बुलाया है। कोई ना कोई मतलब बुड्ढन को, नहीं तो क्यों बुलाता है। दुनिया में हर कोई मतलब ही बाजी, आप यकीन नहीं करेंगे। एक बार मैं नौकरी लेने गया, मेरे को कहते पढ़ लिख क्या, इतने मतलब लोग कमा ले यार, बिना पढ़े लिखे नौकरी दो मेरे को। एक दिन मैंने एक आदमी से पैसे उधार ले लिए, मैंने कहा कल ले लेना, अगले दिन आ गया वापस, मेरे को पैसे, मैंने कहा कल ले लेना, फिर आया कल, मैंने कहा अगले ट्यूजडे ले लेना, कहता मतलब, मैं कहा हर बात में मतलब, इतने मतलब लोग, मैं क्या बताऊँ आपको। सबसे ज्यादा मतलबी लोग होते हैं ये आशिक टाइप लोग। ये तो बैठा ना, ये लुखा बैठा हुआ सामने, ये देखो इसकी सेहत देखो जरा। ऐसे लोग होते हैं, खुद इतने से होते हैं, और लड़कियों को बोलेंगे तेरे लिए जान दे दूंगा। अबे अपने अंदर तो जान डलवा पहले, बड़े आए तू पता नहीं। कुछ लोग होते हैं मतलबी, लेकिन कुछ लोग होते हैं बिना मतलब के काम करते हैं, कोई मतलब नहीं होता। जैसे हमारे अनु मलिक साहब, इनकी शायरी का कोई मतलब नहीं होता, बिना मतलब शायरी लिखते। एक दिन तो शेर पढ़ रहे थे कि तेरी मेरी छतरी के नीचे पान की दुकान, स्विमिंग सूट पहन के आजा मेरी जान बताओ। ये तो बातें करने वाली। अब आप खुद सोचिए, लड़की स्विमिंग सूट पे है, ऐसे पान की दुकान पे खड़ी है, बोल रही भैया एक किमाम डाल के बनारसी देना तो अच्छी लगेगी। कुल्फी बोलूं का शेर। अरे ये गाने लिखने वाले तो कुछ भी लिख देते हैं, आपको पता है, अपने मतलब के लिए। हाँ। एक आदमी ने गाना लिखा, मैंने पूछे चांद से, हाँ। देखा है मेरे चांद जैसा हसी। हाँ। चांद भी सामने से कहता, भाई देखा तो है लेकिन अगर बता दिया ना कहाँ पे बैठा, तेरा तलाक हो जाएगा। मतलब ओह गॉड, राज की बात राज रहने। एक गाना आया, मैं फूलों से कलियों से तारों से तेरी मांग भर दूंगा। अरे भाई लड़की के गमला है वो। तेरी शादी हो रही, उसकी मांग में सिंदूर डाल, तूने उसके सर पे खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। यूरिया डाल यूरिया। कई लोग तो इतने मतलब होते, भगवान के पास जाके बोल रहे थे, भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकाल, मैं 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ वे घोंचू। दस % तो गवर्नमेंट TDS काट लेती जिनका कोई हाथ भी नहीं, कम से कम भगवान को 20% तो दे दू। एक बार तो मैंने भगवान को खुद बोल दिया, भगवान 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी करोड़ की लॉटरी निकालो। भगवान खुद आगे बोले मेरे को, एक काम कर लॉटरी डाल के आ, मेरी जब निकलेगी तेरे को 51 रुपए बीच में से दे दूंगा। दुनिया में बड़े सारे लोग मतलब भी होते हैं, कुछ लोग नहीं भी मतलब भी होते। कुछ लोग कहते हैं आदमी मतलब भी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं औरतें मतलब भी होते हैं। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ, कोई कोई मेरा भाई बताए कौन मतलब भी ज्यादा होता है। हाँ जी आप बताइए। ओह वाह लेडीज, या कम ऑन, ये घर वाले की चुगली करेगी जी। सही पहचाना। हाँ मैं पहचान लेता हूँ, काले सूट। हस्बैंड सबसे ज्यादा मतलब भी होते हैं, उनको कुछ भी काम होता है तो वो काफी पैम्पर्स करते हैं वाइफ को, लाइक गिफ्ट लेके आएंगे, फ्लावर्स लेके आएंगे, फिर धीरे से उनका काम बोलेंगे, सुनो ना मैं जरा दोस्तों के साथ पार्टी करके आता हूँ। एट द एंड कैसे भी कुछ भी करके उनका मतलब निकाल ही लेंगे वो। अच्छा तो मतलब औरतें मतलब भी नहीं होती हैं। उनके जितनी तो नहीं होती है एटलीस्ट। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अच्छा, आप मतलब ही हैं? बताइए जरा। जी नहीं, मैं मतलब ही नहीं हूँ, मतलब ही औरतें होती है। कैसे मतलब? अब अगर किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी आ गई तो नया ड्रेस चाहिए, चलिए ना प्लीज, चलो ना जानू, चलो ना शॉपिंग करके आते हैं, 4 घंटे तक मॉल में घूमते रहेंगे, एक ड्रेस खरीदेंगे, और फिर उसके बाद जब हम कहेंगे कि पानी पिला दो तो तुम खुद ही ले लो ना, मेरे तो पाँव दुख रहे हो। तो इससे पता चलता है कि कितनी मतलबी होती है। तो वाइफ के लिए इतने काम करते, पानी इतना क्यों, ऊंट हो आप, क्यों पानी पीना इतना। तो आप करते क्या भाई साहब? जी पेंट्स में काम करता हूँ। ऐसे क्या काम करते हैं? पेंट? जी नहीं, परचेज में हूँ। खरीदते हैं आप? जी बिल्कुल। क्या करते हैं इतना पेंट खरीद के, कहाँ लगाते हैं? सर लोगों के घर में लगाते हैं। अच्छा लोगों के घर में पेंट लगाते हैं? जी बिल्कुल। लोगों को चूना लगाने का काम करते हैं आप? जी बिल्कुल। और भाभी जी क्या करती हैं? I am a fashion designer. Oh wow! You like my fashion what I am wearing right yeah, now? Yeah, yeah, superb. Superb. Give me some fashion tips na. Oh sir, आप यूं ही इतने fashionable, आपको क्या fashion tips? देखा मतलब भी मुफ्त में कुछ नहीं बता रहे। Very true, very true.
तो बोलती है आदमी लोग मतलब होते हैं, आप लोग मतलब नहीं क्या, मतलब मुफ्त में बताना नहीं, मतलब ही नहीं होता जितने आदमी लोग। मेरे को बोल रही है ये फैशन अच्छा है, अपने पति को पहनाओ ना ऐसे कपड़े। ये आपके साथ आए हैं? हाँ, ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं। इतने सारे फ्रेंड? तो दो फ्रेंड्स हैं। बड़े मतलब ही, आप अपने दो फ्रेंड लेके आए, वाइफ की एक भी फ्रेंड नहीं। देखा, बोला ना जेंट्स ऑलवेज मतलब ही होते हैं। बहुत मतलब ही, हाउ मतलब ही यू आर। क्या करते हैं बाकी लोग भी, पेंट का काम करते हैं? कहाँ पे? मैं भी सेम कंपनी में हूँ। तो जब वो है तो आप क्यों कर रहे हैं वहाँ पे? नहीं, क्या मिलके चूना लगाते हैं ना। है जी, मिलके चूना लगा रहे हैं आप लोग जी। और ये जो साथ वाले भाई साहब? नहीं, ये भी साथ में है लेकिन ये चूना नहीं लगाते। तो ये क्या लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं? आप क्या करते हैं? मैं फिलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ। आपके साथ वालों की शादी हो गई, आप पढ़ाई करी जा रहे हैं? आप कैसे दोस्त बने? वो तो काम करते थे, आप पढ़ रहे हैं अभी? अभी बैठे बैठे दोस्त बन गए। मैंने सुना था बैठे बैठे गैस बनती, बैठे बैठे दोस्त बन रहे हैं। आपको क्या लगता है, औरतें मतलब ही होती है कि आदमी मतलब ही होते हैं? औरतें मतलब ही होती है। वो तो अपने फेवर में 3-4 वोट लेके आए, आप लेके नहीं किसी को आए तो मैं क्या बोलूं। कोई और लेडीज हैं जो इनके हक में बोलना चाहती हैं? हाथ खड़ा करें जरा प्लीज, जो कहती है कि नहीं औरतें मतलब ही नहीं होती, प्लीज टेल मी फ्रेंकली। अरे एक एक आई आपके समर्थन में महिला जी। सो यू वांट टू से दैट वुमेन्स आर नॉट मतलब ही? सर ऐसी बात है कि लड़के ज़्यादातर मतलब ही रहते हैं, उनका मतलब रहता है तो वो पीछे पीछे घूमते हैं, डिनर कराने ले जाते हैं, यहाँ वहाँ सब कुछ, और उन्हें कोई अच्छी लड़की दिखती है ना तो वो हमें छोड़ देते हैं, तो वो तो मतलब ही है। तो इसमें मतलब क्या, मतलब क्या हुआ? आपको डिनर करवा के घर छोड़ा, आप दूसरी पास जाने दो, उसको डिनर कराने दो। तो फिर वो हमारे आगे पीछे क्यों घूमते हैं? अगर वो पीछे ना घूमे तो तू दीवार में सर मारो, फिर ये कोट वोट क्यों पहना है? तो ये जो आप फैशन वैशन सब होता है तो इन्हीं के लिए तो करते हैं आप? नहीं तो क्या बस और रेलगाड़ी को दिखाते हो? हाँ। ये जो चेक पजामा पहन के बैठे कौन है? ये आपके साथ आए? नहीं। कमीज के अंदर शोल्डर है के हैंगर लगाया हुआ? आप क्या करते हैं? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। किस चीज की पढ़ाई करते हैं? कॉमर्स में हूँ सर। कॉमर्स, उसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं सर। क्या मिस्टर कुछ नहीं है? अगर कुछ नहीं करना तो अभी कर लो, ऐसे पैसे की वेस्ट करा रहे हैं मतलब ही कहेंगे। आप क्या करती मैडम? मैं कॉलेज पढ़ती हूँ। कॉलेज में ही पढ़ते सब, बाथरूम में कोई नहीं पढ़ता है। कॉलेज में मतलब क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? साइंस। आइंस्टाइन कौन था? क्या सर आप भी? अरे नहीं सीरियसली पूछ रहा हूँ, आइंस्टाइन का नहीं पता? देसी दवाइयां देते थे, हकीम थे। साइंस पढ़ रहे हैं, आपको आइंस्टाइन का नहीं पता? वो आइंस्टाइन सिट्टू का फूफा था। आपको वो पता है वो टीपू सुल्तान कौन थे? आप साइंस पढ़ रहे हो कि हिस्ट्री पढ़ रहे हो? सर उनकी कहानी सुनी है हमने। कहानी सुनी? कहानियां कम सुना करो, अपनी किताबें पढ़ा करिए आप। और कोई मेरे दोस्त जी आइए, उदित नारायण के छोटे भाई जी। हाय कपिल। हाय। मेरा नाम जहीर है, मैं बैंगलोर से आया हूँ जी। आप जानते होंगे लाइक रास्ते में आजकल जो भिखारी भी होते हैं, वो मैं जानता, मतलब ही होते हैं भिखारी। हाँ। अच्छा, मतलब आपको भिखारियों से भी कमिटमेंट चाहिए अभी? नहीं मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये मेरा मतलब, मतलब आप चाहते हो कि आप भिखारियों का काम है, भिखारी आपके काम आए, मतलब? नहीं 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 ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, मतलब जैसे कि रास्ते में भी लोग भीख मांगते हैं, सिग्नल पे सड़क पे बोलते हैं भगवान तुम्हारे की, और क्या ऑफिस खोले भीख मांगने के लिए? रास्ते नहीं मांगे, वो लोग कहते हैं भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, पैसा दे दे, और आप दे दोगे तो बोलते हैं भला करे, अगर आप पैसा नहीं दे रहे तो गाली दे के भेजते हैं वापस से। बड़े एरोगेंट भिखारियों से मुलाकात होती है आपकी?
तो कब से आया हूँ बुढ़न, तू कहाँ पे थी? तू अब शायद तुम नहीं जानते, कार से आने वाले अक्सर लेट हो जाते हैं। तेरे को कोई कार के नीचे ना दे, तेरे को कार में लिफ्ट कौन देगा? कार से आने वाले एक दिन ऐसे खड़ी सड़क पे लिफ्ट मार दी, ऐसे कार वाला इसको 10 रुपए दे के चला गया। जब मुंह भीख मांगने वाला हो तो लिफ्ट नहीं मांगते हैं। ओहो, वो कार नहीं, बच्चों वाली कार की बात कर रही हूँ। ऐसे होती ना पीप पीप बू बू, हवा में उड़ते हुए आई हूँ मैं हवा में। एक तो मेरी दादी ने इतनी भुक्कड़ में बच्चों के खिलौने छीन लेती है। परसों भी एक बच्चे को बोलती, ला तेरा टिफिन खोल, जादू करके कबूतर निकालूंगी। उसने टिफिन खोला, उसका पराठा लेके भाग गई, भुक्कड़ गई थी। यहाँ मैंने तुझे शादी करवाने के लिए बुलवाया है और तू है कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। तू मेरी शादी करेगी? हाँ। मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया, तू मेरी शादी करेगी? ऐसे कैसे? ए बड़े आदमी की जब शादी करनी तो पूछ के करते हैं, तेरे को पता नहीं है? पिछले जन्म में मैं लेडी गागा था, ऐसे मत समझ मेरे को। क्या? हाँ। पिछले जन्म में गागा था? हाँ। गागा तो इस जन्म में? तो फिर लेडी डायना होगा, कुछ तो था, लेडीज था। अरे सिद्धू तू बात बात को तू मुड़ा मत, मजाक क्या है? मैं सच्ची कह रही हूँ, 20 साल पहले तेरा लव मैरिज तय हुआ था। 20 साल पहले कैसे लव मैरिज? मेरे लड़की को देखा मैंने, लव मैरिज क्या तय हो गया? अरे वो दरअसल क्या है ना, तेरे दद्दा और लड़की की दद्दी, उन दोनों के बीच में गुटर 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 चल रहा था। उसी गर्मा गर्मी में तेरी शादी तय हो गई, तो हो गई ना लव मैरिज? बिल्कुल नहीं दादी, नहीं मैं नहीं शादी कर सकता, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 20 साल निकाल दो, 5 का हूँ। अच्छा, चंपक लाल की गाय के साथ तू पैदा हुआ था, उसके 5-5 बछड़े हो गए और तू कह रहा है कि तू शादी नहीं करेगा? तो चंपक लाल की गाय तो दूध भी देती है, तू क्या चाहती है अभी? बढ़िया ही, मेरे को आज तक खसरे का टीका लगवाया नहीं और मेरे फेरे करवाने चली है। मेरे को दाल में कुछ ब्राउन ब्राउन लग रहा है। देवा जी, लो। देवा जी। काय को खुशी का दिन है, कौवा फिर छत पे रोटी फेंक गया तेरे लिए। आपकी शादी जो हो रही है इसलिए खुशी का दिन है, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये शादी वादी कोई नहीं कर रहा हूँ मैं, शादी करके मेरा बेड़ा गर्क करना चाहते तुम लोग, सब पता है मेरे को, मतलबी और तो। अपने बिट्टू का हाल ही देखा, क्या हालत बना के रखी तुम लोगों ने उसकी। देवा जी, बिट्टू अपनी शादी में बहुत खुश है। खुश था शादी के जब 4 घंटे थे वो इसी में खुश था, वापिस आते पता क्या हालत थी। इनके पिताजी महाराज, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, शादी वाले थे ना, डोली वाली कार अरेंज ही नहीं की, बोलता कार में जाओगे तो 5 मिनट पहुंच जाओगे, पैदल जाओ रास्ते में जान पहचान हो जाएगी। ऐसे तो अरे सिट्टू, मैं तो कहती हूँ बिट्टू के ससुर की बात ही मत कर। अरे शादी में तो स्कूटर भी नहीं दिया, मोटरसाइकिल भी नहीं दिया। मोटरसाइकिल देने के लिए तैयार थे, आप लोग ने मना किया था। ए, आप लोग ने मना क्या किया था? तो आप मना ना करते तो क्या करते? इसका बाप पता क्या बोल रहा? बोला था मोटरसाइकिल तो मैं सब कुछ बेच बाज के ले दूंगा, लेकिन उसके बाद मेरी फैमिली आपके घर में आके रहेगी, ये तो करतूत करते। अरे ये लोग क्या मोटरसाइकिल देंगे आपको, पता है इनका खानदानी साइकिल का बंटवारा हुआ, मार काट हो गई वहां पे। इसका चाचा उसकी काठी उखाड़ के ले गया, इसका बाप साइकिल घंटी कंधे पे लगा के घूम रहा है। एक भाई आगे वाला टायर ले गया, एक भाई पीछे वाला टायर ले गया, और माँ इसकी चेन डाल के अपने आप को राजपूतों की बहू समझ रही है। आए बड़े तुम लोग। देवा जी, आप हमारी बात छोड़िए, और देखिए आपके आपकी जिस घर में शादी हो रही है वो लोग बहुत अमीर है। हाउ डू यू नो इंग्लिश आती नहीं। हाउ डू यू नो? हाँ जो भी है। ज्यादा अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं है। चार चुप रहिए, मेरे पापा ने कहा इसलिए मुझे पता है। पता होता है, पता होता है, एरिया के भिखारी को सेठ लोगों के बारे में पता होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक था, इसलिए तो आपको भी पता है ना उनके बारे में। देखा बुड्ढन, देख लिया तूने, आजकल की बहुएं इस तरीके से जवान लड़ाती है सास के साथ, और तू मेरे को बोल रही शादी कर ले। रहने दे सिट्टू, ही मत कर। अगर एकाध ईशान शर्मा निकल आए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी इंडियन टीम खराब है। इसको छोड़, उस लड़की को लपक ले, बड़ी समझदार लड़की है, तेरी किस्मत चमका देगी। क्या चमका देगी? लड़की है कि डिटर्जेंट पाउडर है, मेरी किस्मत चमकाएगी ऐसा कैसे? देवर जी, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आप शादी करेंगे तो मुझे भी तो मौका मिलेगा बारात में नाचने का। तेरे को 10 रुपए की सीडी लाता हूँ, इधर जितना मर्जी नाच, मेरा बेड़ा गर्क क्यों करवा रही है? हर बार मनहूस बात करती है आपके इनके पापा जी की बात बताऊं? अरे
इनके आगरे वाले फूफा जी फौत हो गए, मर गए। इसका बाप कहता है मौत तो बड़ी हुई है रिश्तेदारों पे, लेकिन इस बार मजा आया, इसी बहाने आगरा भी देख लिया। ये ऐसे लोग हैं। और ऊपर से बोल रहे हैं मन तो गोवा घूमने का बड़ा, लेकिन क्या करे गोवा वाली भुआ सेहत का ध्यान ही बड़ा रखती है, वो ही नहीं कुछ रहा। ऐसे तो लोग हो तुम लोग। आपको बड़ी नॉलेज है मेरे पापा के बारे में, है ना? देखो बहू, बात और बदबू छुपाई नहीं जा सकती, कभी ना कभी बाहर निकल ही जाती है। आप चुप रहिए। सुनिए देवर जी, क्या आप शादी कीजिए। देखिए आपके आपका भी छोटा सा परिवार होगा, एक दो छोटे छोटे बच्चे होंगे, फिर आप जब ऑफिस से आएंगे तो बच्चे आपके पास दौड़ते हुए आएंगे और फिर कहेंगे पापा पापा मिली ली क्या लाए हो। ए खबरदार, मेरे होने वाले बच्चों को तोतला कहो तो मैं मारूंगा तेरे। वैसे मुक्का मारूंगा ना, रुका हुआ पंखा भी घूमता नजर आएगा तेरे को। शांत हो जा सिट्टू। बेटा मैं तो कहती हूँ शादी कर ले, तू करोड़पति हो जाएगा। कैसे? 100 करोड़ की जायदाद मिलेगी तुझे। अरे हट। हाँ? हेलो, एक शेरवानी सिलना जल्दी। क्या कारीगर सो रहे हैं? तो रुक, तेरे लिए कफन भेज रहा हूँ साले मैं। अबे जल्दी सिल के भेज। ए तुम लोग कितनी पागल औरत हो, जो लाइन पहले आते ही बोलनी चाहिए थी वो अभी बोल रही हो, इसी चक्कर में एपिसोड लंबे लंबे जा रहे हैं। आते ही बोला करो, ये लो 100 करोड़ वाली बात छुपा कर रखा है। देवर जी मान गए, लड़की तो वैसे भी इनके हेयर स्टाइल पे फिदा है, वो लोग अभी आते होंगे लड़की वाले, तो चाय पानी का नाश्ता करके आ जाओ। जा जा जा। ये पोज लगता है आ गए। क्या कर रहा है यहाँ? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ। अरे भले भाले लोगों के साथ हम रिश्ता जोड़ने आए, जब तक मैं ना बोलूं गोली मत चलाना। अंदर आ। ओके। नमस्ते। आगे। नमस्ते। आई 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 आई। पैर छुए। क्या कर रहा है? अरे तू छोटा है, तू पैर छू। मैं कहाँ छोटा, ये छोटा लग रहा मेरे को तो। अच्छा ठीक है ठीक है, थाई लागू। अभी पाई तक कौन जाए, देयर इज अ लिटिल बिट स्टमक इन माय पेन। आई आप कुछ लेंगे? चाय ले लेंगे। तो ले लेना, भूल ना जाना। कई बार क्या होता है, हम लोगों ने कोई चीज लेनी होती है तो भूल जाते हैं, जैसे दवाई लेने तो भूल जाते हैं। चाय ले लेना आप याद से। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी कॉमेडी कर लेते हो, किसी टीवी शो पे क्यों नहीं जाते बेटा? ये कौन सा गैराज में आ रहा शो? चुप कर तू। आप भी आइए ना, बैठिए ना, बैठ के बातें कर लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठने की क्या जरूरत है, ऐसे ही ठीक है। क्यों गया, पाइल्स का प्रॉब्लम है? रुकिए मैं आपके लिए चाय वाय ले आती हूँ। बैठ जाते हैं। हाँ, बैठिए। Why not? बैठिए। आराम से बैठिए। अच्छा देखिए, मेरे पास टाइम कम है, जरा लड़के को बुला लेंगे। तो ये क्या श्रीदेवी बैठी हुई है? मैं ना लड़का ही हूँ मैं। निकालूं क्या? क्या निकालूं, चीकू लेके आया दामाद के लिए। नहीं नहीं, अच्छा तो आप ही लड़के हैं जी। अच्छा कहाँ तक पढ़े आप? मैं मतलब आई एम बैचलर इन मैट्रिक। देखो बेटा, बैचलर इन ग्रेजुएशन होता है। देखो मैं जब मैट्रिक कर रहा था तब भी बैचलर था, अब भी बैचलर। तो आपने पढ़ाई की क्या? मैंने की। अच्छा तो फिर। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे बेटा तुम काम क्या करते हो? कुछ भी कर लेता हूँ, आप मेरे को बोलो मैं इधर कर देता हूँ। नहीं नहीं, पैसे कमाने के लिए क्या करते हो? अरे मैं काय कर लेगी पैसे कमाऊंगा, आपके पास है ना पैसा, का छाती पे रख के लेके जाओगे? खुद का चंदन किस मेरा नंबर, पैसा का छाती पे रख के लेके, छाती भी इतनी 1200 से ज्यादा आएगा भी नहीं। अरे मैं क्यों करूंगा बाबा काम, आपने सुना नहीं वो सिकंदर गोन एम्प्टी हैंड ऊपर? सिकंदर? हाँ। सिकंदर कौन? वो था नहीं सिकंदर, अरे बाबा क्या था वो, अलेक्जेंडर। याद रख, सिकंदर के हौसले भी आली थे जब गया था इस जहां से, दोनों हाथ मतलब खाली थे वैसा। अच्छा 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 अच्छा, वो कव्वाली वाला सिकंदर? हाँ कव्वाली वाला। अरे छोड़ो बेटा ये सिकंदर विकंदर को छोड़ो,
देखो क्या है कि हर लड़की का सपना होता है कि उसका पति कुछ करता हो। तो सपने की टेंशन मत लीजिए, सपना तब लगे ना लड़की को सोने दूंगा तो। क्या क्या कहा आपने? मतलब घर में 100 काम होता, काम काज करेंगे तो नींद कहाँ आएगी बाबा आपको? अच्छा जी जी। देखो बेटा क्या है कि हमारा कारोबार बहुत बहुत बड़ा है जी। वैसे आपका भी कुछ ऐसा कुछ बड़ा कुछ होना चाहिए ना। बहुत मेरे बाल बहुत बड़े मेरे, मेरी जुबान बहुत बड़ी, हम लोग किसी को कुछ भी बोल देते हैं फंटूश ऐसा। अच्छा। चला दूं? क्या चला दूं, गर्मी लग रही है, हमारा पंखा क्यों चला रहा है, जैकेट क्यों पहन के आया इसको, पैक अंदर ले गया कौन है? कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो बेटा क्या है कि जैसा मैं दामाद चाहता हूँ जी तुम बिल्कुल वैसे नहीं। लेकिन क्या है कि मेरी बेटी आपसे प्यार करती है तो अभी क्या करें। वैसे आपकी कोई डिमांड हो तो मुझे अभी बता दो। डिमांड हम लड़की वाले से क्या कहेंगे, बस एक हेलीकॉप्टर और एक। हाँ हेलो, क्या मेरे से डिमांड कर रहे है? ठोक दे साले को, अबे मार दे गोली और एक मार। सॉरी बेटा वो फोन आ गया। अच्छा क्या डिमांड कर रहे थे तुम? कौन कर रहा था? नहीं अभी मैंने सुना तुम कुछ हेलीकॉप्टर बोल रहे थे। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा कहा हेलीकॉप्टर, मैं तो बोल रहा दादी बीमार है तो हॉली हॉली डॉक्टर के पास जाएंगे। आप अभी ये फोन पे क्या बोल रहे थे कि ठोक दो मार दो? नहीं नहीं, क्या है वो फसल पे कीड़े लग गए थे ना तो मैंने कहा डीडीटी मार दो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बोल रहे थे। फैल गया फैल गया फैल गया। आपने क्या सुना, मैं क्या बोल रहा था? तुम ये कह रहे थे कि होले होले डॉक्टर के पास जाना है। अबे मैं क्यों होली डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं बोल रहा था हेलीकॉप्टर चाहिए। हेलीकॉप्टर चाहिए और आगे मतलब क्या कि दूल्हा घोड़ी पे जाता है तो शगुन चाहिए, तो हेलीकॉप्टर नीचे घोड़ी बांध देना, हम लोग उड़ के जाएंगे। अच्छा जी जी जी। लेकिन अरे तुम्हारी दादी अभी तक वापस नहीं आई। आएगी कमला, आ गई आ गई, जल्दी से लड़की को बुला लो। बैठी बैठी बैठी। मैं अभी लड़की को बुला लेता हूँ। लड़की का क्या देखना, बस ये देखना कि नोट ना तू फटा हुआ हो। क्या क्या बोला? नोट ना फटा हुआ। दरअसल शांत हो जाइए, इसके कहने का मतलब है लड़का लड़की को देखिए इसकी क्या जरूरत है, इट्स ओल्ड रिवाज। हाँ मुझे देखिए, जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी के 4 साल बाद मैंने इसके दद्दा की शक्ल देखी थी। क्या बात कर रही दादी, ताऊ तो पहले साल ही हो गया था। को खांसी से पहचानती थी, खांसी से। लेकिन सर्दी के मौसम में गड़बड़ हो जाती थी। क्यों, सर्दी में क्या होता था? नहीं, सर्दी के मौसम में क्या है, मोहल्ले में 10-20 लोगों को खांसी हो जाती थी ना। इसी बात का डर रहता था कि जो खांस के गया वो इसका दादा ही हो। देखिए आपका तो जो भी है सब ठीक है, लेकिन क्या है कि मेरी बेटी है ना, वो सैंडल भी 4 बार देख कर पसंद करती है। अब जब जूते जैसे मुंह वाला लड़का हो तो एक बार तो देखना बनता ही है। मैं अभी मेरी लड़की को बुला लेता हूँ। जूता कौन सा वाला बोला आपने, जॉगर्स के या फॉर्मल? जॉगर्स। अच्छा फॉर्मल से आई डोंट लाइक। बुला लो, मैं बेटी को बुला लेता हूँ। बुला लो बुला लो। रोजमेरी, लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी रोजमेरी आ जा। आजा बेटी आजा। मैं आ गई पापा। आ गई आ गई। अरे लेकिन रोजमेरी तू इतनी लेट कैसे हो गई? वो मुझे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था। क्यों? वो बोल रहे थे कल के पेपर दिखाओ। मैंने तो बोला मैं तो पैदल डाले हूँ, कल के पेपर कहाँ पे दिखाऊंगी, पैदल डाले हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, वो लड़का देखो, देखो देखो पापा, मैंने तो पहले ही कहा था मुझे लड़का पसंद है। पसंद है? पसंद, एकदम पसंद है। लड़का पसंद है? हाँ तो ठीक है, इनको होएगा, मेरे को भी तो लड़की दिखाओ ना। यही है लड़की? इस बार आप मजाक कर रहे हैं। नहीं
मजाक नहीं कह रहा, सच कह रहा हूँ। ये है मेरी बेटी, ये मैं हूँ लड़की, इनकी लड़की मैं हूँ। आपकी लड़की क्या, आपकी फैक्ट्री है क्या ये? देखो पैसा वैसा क्या भाड़ में, इससे शादी नहीं कर सकता मैं। एक कल को इसके नीचे आ गया, लोग कहेंगे ट्रक के नीचे आके चीकू पिसका गया, मैं क्या ये कौन है? नो, आपका चश्मा ले लिया काफी, आई डोंट वांट योर गर्ल। देखिए भाई साहब, अब आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ, तो वैसे मेरी बेटी बहुत गुस्से वाली है, तो यहाँ आने से पहले 3 लड़के मार चुकी है। नहीं ऐसे क्या है कि पहले लड़के के साथ डेट पर गई थी, नारियल पी रही थी, एक ही स्ट्रॉ से दोनों नारियल पी रहे थे, सब ठीक चल रहा था। पता नहीं किस बात पे इसको गुस्सा आ गया, इसने जोर से सक किया, लड़का स्ट्रॉ के मार्फत इसके पेट में डायरेक्ट। अब दूसरे लड़के की तो कोई गलती ही नहीं थी भाई साहब, तो? वो तो बेचारा फेरे ले रहा था, लेकिन इसको छींक आ गई, लड़का हवन कुंड में। तीसरे का क्या हुआ? तीसरे का, अरे तीसरे का क्या हुआ वो तो पता ही नहीं चला दादी। हा? पता ही नहीं चला, हम तो लड़का देखने गए थे। हा? इसने कहा कि मुझे लड़के से कुछ अकेले में बात करनी है, तो मैंने कहा ठीक है कर लो, हम बाहर होकर आते हैं। जब मैं वापस पहुंचा तो मेरी लड़की अकेली और डकार खा रही थी, मुझे पता चल गया लड़का खा गई। ये हमारा चौथा घर। पापा, मुझे इतने भी अकेले में बात करनी है, अकेले में बात करनी है। पीछे ना, मेरी बात सुन लो, तुम लोग क्या मेरे को डराने की कोशिश नहीं करना, समझ में आना? नहीं, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। अच्छा, भागेगा भागेगा, आप मर्डर का केस चल रहा है मेरे ऊपर। अरे पापा ये तो गुंडा है। वाह भाई वाह, अरे खामखा मैं अपनी बेटी के प्यार में पड़ा था, मुझे तो गुंडा ही चाहिए था अपना दामाद। क्या बात है, आ जाओ, आप हमारी बिरादरी के हो, अब तो शादी होकर रहेगी बेटा। ये मेरे को ना उल्लास नगर का चंपूर समझा गया, 24 घंटे हथियार लेके घूमता हूँ मैं। अबे हथियार तो हम भी लेकर घूमते हैं, ये देख, दिखा दिखा। अबे दामाद के लिए, दामाद के लिए आम ले आया, ये ले। ये क्या कर रहे हैं? अरे ये आम है, आम। ए दादी, मैं तो आम खाता हूँ, मेरे घमौरी आ जाता, तू ले ना। बिट्टू, अब इस उम्र में मैं कहाँ आम चूसूंगी, तू ही रख ले। क्या कर रहे हो? तेरा दिमाग खराब है बुड्ढन। देखिए मैं आप 2 मिनट रुकिए, इतने पिस्तौल क्यों रखे, बेचते हो क्या? ध्यान से गिरना जाए। नहीं, मैंने आपको बताया मैं गुंडा हूँ। मैं आपको एक बात बतानी भूल गया। बोलो बोलो। मैं बहुत अच्छा एथलीट हूँ, भाग के दिखाता हूँ। कॉमेडी नाइट्स। पाजी, पहले मैं सोचता था मेरी जिंदगी में स्यापे भरे पड़े हैं। कि भुआ की शादी नहीं हो रही, दादू की दारू नहीं छूट रही, बीबी तो आपको पता ही मेरी कैसी है। लेकिन मैं कल ऐसे 2 लोगों से मिला जिनकी जिंदगी में कूट कूट के स्यापा भरा है। और ये जो 2 शख्सियतें आज हमारी मैगजीन के इंटरव्यू के लिए आ रही है, एक है वेरी 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 ब्यूटीफुल यामी गौतम, जोरदार तालियां। और दूसरे है मल्टी टैलेंटेड गुड लुकिंग अली जफर, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। यामी, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। अली, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। जोरदार ताली एक बार। अली, यामी, बाहर इतने चर्चे हो रहे हैं कि टोटल स्यापा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी जिंदगी में स्यापा चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? सर मेरी जिंदगी में स्यापा वो हो रहा है जो अक्सर लड़कों की जिंदगी में होता है। मसलन ये कि
एक टाइम आ जाता है जब लड़की कहती है कि जाके माँ बाप से मिलो। अच्छा। और लड़का जरा खिसकने की कोशिश कर रहा होता है, तो ये एक दिन ले ही जाती है हाथ पकड़ के। अच्छा। तो उस दिन मैं कह रहा होता हूँ यार आज रहने दे, आज नहीं जान दे, फिर कभी कर लेंगे। नहीं आज जी ठीक। मैं गया इसके घर, गया तो इसकी जो माँ थी उसने बुलाया कि ये है। तो उसने कहा बेटा कहाँ से हो तुम? कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो पाकिस्तानी से तुम कैसे शादी कर सकती हो, ये कभी शादी वर्किंग कभी नहीं करेगी। तो उधर मैं फंस गया। फिर तो उधर उस एक स्यापा के बाद दूसरा स्यापा, फिर माँ का स्यापा, फिर इसकी बहन का स्यापा, फिर प्यो का स्यापा, फिर एक छोटी बच्ची है उसका स्यापा। तो टोटल स्यापा हो गया। तो मतलब बुरी तरह से फंसे हुए आप। ऐसा कि बस। तो जब पसंद किया था तब मम्मी से पूछा था, बाद में अभी मम्मी से क्यों पूछ रही हैं आप? अच्छा अली, आपके इंडिया में ढेर सारे फैंस हैं, लेकिन आपके बारे में बड़ा कम जानते हैं कि आपकी फिल्मों में शुरुआत कैसे हुई पाकिस्तान में, जब आपने स्ट्रगल करना शुरू किया, स्टार्टिंग में कैसे आप फिल्म लाइन में आए? मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे दोनों जो वालिदैन थे प्रोफेसर थे, तो मैं किसी को नहीं जानता था मीडिया से, फिल्म से। तो ड्राइंग करता था, पेंटिंग वगैरह। तो फिर एक होटल की लॉबी में लोगों की तस्वीरें बनानी शुरू की। अच्छा। ताकि वहाँ से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपना गाना बना सकूँ, अपनी म्यूजिक वीडियो बना सकूँ। फिर वो उसमें कई साल लगे, एक जद्दोजहद थी, जस्तजू थी, फिर सक्सेस मिली। क्या बात है। यामी, आपकी ये दूसरी फिल्म है जी। पहली फिल्म में आपने विकी डोनर में काम किया, जो बड़ी बहुत बड़ी सक्सेस रही जी। और उसमें यामी ने आयुष्मान के साथ काम किया, जो कि बड़े अच्छे एक्टर भी हैं, बड़े अच्छे सिंगर भी हैं। इस फिल्म में आप अली के साथ काम कर रही हैं, ये भी बड़े अच्छे एक्टर हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं। तो आगे चल के मैं क्या अंदाजा लगाऊं कि थर्ड फिल्म यू वांट टू डू विद मी? आप अपने बारे में बताइए। आप मेरे ख्याल से हिमाचल में पैदा हुई शायद जी। अच्छा, हिमाचल को ना वरदान है कुदरती, मतलब कोई भी पीस खराब नहीं निकलता वहां पे। तो फिल्मों में मतलब कैसे आना हुआ? मेरी शुरुआत आई थिंक एक आई वुड रियली कॉल इट डेस्टिनी, जिसे किस्मत कहते हैं। सो आई थिंक इट वाज द बिगेस्ट सरप्राइज आई थिंक, क्योंकि मैं एक बिल्कुल एक पढ़ाकू लड़की थी। अच्छा। जो चुप करके यूनिवर्सिटी जाती थी, तेल लगा के, चश्मा लगा के। तेल क्यों लगा के जाती? ताकि लड़कों के हाथ में ना हो। एग्जैक्टली। अच्छा। अब तेल लगाना छोड़ दिया? अभी भी लगा। अभी तो हीरोइन बन गई ना बाजी, अभी तो बाल ड्राई अच्छे लगते ना। लेकिन आज मैं बड़ी दुविधा में हूँ, बिकॉज अली की जो फैन फॉलोइंग है लड़कियों में बहुत ज्यादा है। सो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि आज मेरी ज्यादा फैंस आई हुई कि अली की। कपिल, अली, अली कपिल। ओके ओके ओके। मुझे मुझे यही पता करना था कि अली के घर वाले कहाँ बैठे, मेरे कहाँ बैठे हुए। हमने बाढ़ बाढ़ के बिठाए हुए। लेकिन जो भी है, मेरी जितनी मर्जी फैन फॉलोइंग हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यामी, आई एम योर ग्रेट फैन। और सुनाइए। बस मैं काफी अच्छी हूँ, सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक है। लाहौर जाके लड़का पसंद आ गया, रस्ते में अमृतसर पड़ता था, वहां ध्यान नहीं गया। तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि यामी ने हिंदी के अलावा पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, आई थिंक काफी सारी भाषाओं में फिल्म की है। एक एक सब में, एक एक सब में, एक एक जी, की जी, है जी, जी, तो जी, ये जी। आपने डिसाइड किया हुआ था कि पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद कॉमेडी नाइट्स में आने का मौका मिलेगा? नहीं कपिल, आज मेरा जो पूरा जो सफर है, जिसकी वजह से मैंने ये इंडस्ट्री में मैंने कदम लिया, इतना बड़ा मैंने फैसला लिया, वो आज जाके पूरा हुआ है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। एनीवेज अली, आपने बतौर सिंगर मेरे ख्याल से अपना करियर पहले शुरुआत किया था, उसमें आपको बहुत सफलता मिली, उसके बाद आप फिल्मों में आए। तो म्यूजिक आपको किस तरह का पसंद है? बिकॉज पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हुए हैं, नुसरत साहब, गुलाम अली साहब, जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको किस तरीके का म्यूजिक पसंद है? अपने तौर पर सुनने के लिए मैं शुद्ध क्लासिकल ईस्टर्न वेस्टर्न। ओके। और जिसमें बड़े गुलाम अली, इस्लामत अली खान साहब हैं,
मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली, प्लेबैक में किशोर कुमार साहब, लता जी, अरे वाह, और मोहम्मद रफ़ी साहब, वेस्टर्न में पिंक फ्लॉयड, लेड ज़ेप्पेलिन, और वो जो शोर शराबा थोड़ा सा वो होता है, उस तरह की चीज़ें। चलिए बड़ी अच्छी बात, तो एक अली हमारे बीच मौजूद हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा सैंपल हो जाए, क्या कहते हो आप? तो ठोकिए जोरदार तालियां। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अभी तो शाम की शुरुआत हुई है, अभी ढेर सारी बातें हम लोग करेंगे यामी से और अली से। प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए, दोनों के लिए जोरदार तालियां। वैसे कमाल है शर्मा जी, आज इतना सुर में रियाज कर रहे हैं आप, मैंने कहा अली सफा। Exchange offer. अब बताइए यामी, विदाउट थाई लड़का चलेगा? अभी ये तो बचेगा नहीं, टूट गया होगा। पता चले अली पहले यूं यूं करके फिल्म में, बाद में आज यामी के पीछे है। एक बात तो है, अली ने इतना सुर में गाना गाया कि जानवर भी मस्त हो गए, भैंस टाइप। शर्मा जी ना, मुझे क्या लगता है, आप ना एक बार वंस एंड फॉर ऑल ना आप अपनी आंखों का इलाज करवा लीजिए, क्योंकि आपको हर बार पता नहीं कौन सी ये भैंस दिखाई देती है जो किसी और को दिखाई देती ही नहीं है। वैसे आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप इस आदमी के घर पे क्या कर रहे हैं? ये इज्जतदार लोग है पलक, इनको जब इन्वाइट किया जाता तभी आते हैं, तेरी तरह नहीं घर से गोबर करने निकले जिसका घर खुला अंदर घुस गई। तुम्हें किसने बुलाया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? एक मिनट अली, मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नहीं, मैं इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं ना सारी जानकारी रखती हूँ आपके बारे में कि आप कमाल के एक्टर हैं। नहीं, बड़ी फैन तो आप हैं। वो तो खैर, साथ साथ में आप एक कम डबल स्टोरी फैन हैं आप। अब आप कमाल के एक्टर भी हैं, कमाल के सिंगर भी हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप कमाल की पेंटिंग भी करते हैं। तो आज मैं आपको एक सुनहरा मौका देना चाहूंगी जिसमें आप मेरी एक कमाल की और एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पर आज नहीं बनेगी, उसको बनाने के लिए 4 साल और 12 आदमी लगेंगे। अरे छोटे से काम के लिए उनको भी परेशान कर रही, मैं बनाता हूँ तेरी पेंटिंग। आप बनाएंगे पेंटिंग? हाँ, क्यों, आपको आता है? नहीं, ठीक है, चलिए आप बनाइए, मैं देखती हूँ, आप बना के दिखाइए, दिखाइए। Can I have a stretcher, please? वो ये सब तैयार रहता है आपके घर में? बिल्कुल तैयार रहता है। मेरे लिए एक बिलबोर्ड ले आए। अभी आपकी पेंटिंग पलक, तो तेरी तस्वीर तो मेरी आंखों में बसी है, लाइए। चलिए ठीक है, मैं वेट करती हूँ, जरा फटाफट बनाइए। हाँ, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। देखिए तो मैं फ्रीज होके बैठी हूँ। ये पटारे में से नाग निकालेगा कोई जो तुझे डंक मारेगा।
Don't disturb me. मुझे देख तो. ये दो सर्कल मैं हूँ. तू दूर से ऐसी दिखती है. मजाक नहीं कर रहा हूँ. आंखें मैंने बना दी है. नाक को हो ढूंढ ले जहां से मिलते हैं तेरे को. ओ हाथ क्यों छुपा रही है? पिछली बार आपने जब मेरे हाथ से बात की थी ना, तब से मेरा हाथ एकदम बदनाम हो गया है शर्मा जी. आजकल लोग मेरे हाथ मिलाने से भी मना कर देते हैं. कहते हैं ये वही हाथ है ना जो सुबह सुबह पीछे जाता है. एनीवेज, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे बात करना ही नहीं चाहती हूँ. अली जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए मैंने अपने हाथों से आपके लिए एक शेर लिखा है. जी जी. अर्ज किया है. इरशाद. जब कड़कड़ाती धूप में मैं स्विमिंग करती हूँ, मेरा रंग पड़ जाता है काला. वाह. जब कड़कड़ाती धूप में मैं स्विमिंग करती हूँ, मेरा रंग पड़ जाता है काला. बॉडी लड़की की और मुंह हलवाई वाला. कड़कड़ाती धूप में जब मैं स्विमिंग करती हूँ, मेरा रंग पड़ जाता है. यानी मैं आपको बताऊं, मैं ना सबके लिए शेर लिखती हूँ. हाँ जी. लेकिन चूंकि आप एक लेडीज हैं, हाँ, तो मैंने आपके लिए शेर नहीं लिखा. मैंने पता बिल्ली लिखी होगी. मैं करेगी. शर्मा जी, मैं बहुत ही क्रिएटिव हूँ और मैं नई नई चीजें सोचती रहती हूँ. अच्छा. बनाती रहती हूँ. इसलिए मैंने आपके लिए एक चूहा लिखा है. अर्ज किया है. अब मैं चलती हूँ. आज बड़ी जल्दी जा रही पलक. नहीं, मेरी स्क्रिप्ट तो काफी लंबी थी, लेकिन अभी अभी आपने देखा ना, चूहे ने किस तरह मेरी स्क्रिप्ट को कतर लिया. मैं छोटी हो गई. ओके, मैं चलती हूँ. बाय प्लीज. बाय. ये मैं अभी लेके आऊँ. सर ऐसा ही है, मोहल्ला ऐसा है, तो लोग आते जाते रहते हैं. आपके घर में भी काफी स्यापा नजर आ रहा है. बहुत ज्यादा स्यापा है. मेरे घर पे भी स्यापा है, अगल बगल में भी स्यापा है. आपको मैं क्या बताऊं. एनीवेज, अच्छा अली, एक बात बताइए, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है और हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, आपको इनमें क्या फर्क नजर आता है? नहीं, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हो गई ओवर द एक प्रोसेस के थ्रू गुजर के. जी. और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अब इवॉल्व होना शुरू हो रही है, लेकिन यहाँ की फिल्में वहाँ देखी जाती हैं, वहाँ आती हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं आप सबको. बल्कि टीवी पे भी लोग आप लोगों को देखते हैं और फिल्मों में भी, और बहुत मोहब्बत करते हैं और प्यार करते हैं और मिलना चाहते हैं. बड़ा रहेगा. चलिए, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जल्दी जल्दी ग्रो करे और वहाँ की फिल्में जो हैं यहाँ पे भी रिलीज हो और हम भी उनको देख सकें, इन्जॉय कर सकें. हमारी बेस्ट विशेज आपके लिए. तो जैसा कि अली ने बताया कि ये पेंटिंग करते रहे हैं होटल की लॉबी में, लोगों के स्केच बनाते थे, तो आज अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो क्यों ना एक लाइव इनका ये हुनर भी देख लिया जाए. अली, आप किन का स्केच बनाना चाहेंगे? मैं सर का स्केच. अरे वाह. लो महाराज. ओ वाओ. लव छा गया गुरु तू तो. ये लीजिए सर. लव भाई.
क्या बात है, God bless you. Thank you. आ गया एक जफ्फी विदाउट पपी. शर्मा जी, सुना है मैंने आपके यहाँ जम्मी गौतम आई है. आपको सिर्फ लड़कियों के नाम सुनाई देते हैं, आपको ये नहीं पता अली जफर भी आए हुए हैं? और मैं मतलब की बात ज्यादा सुनता हूँ. नहीं, कहने का मतलब ये है कि अली तो अपना बच्चा है. हाँ, तो यामी आपकी पोती है. देखो, ये इमेजिनेशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. खैर अली, तुम्हें पता है पार्टीशन से पहले मैं भी पाकिस्तान रहता रहा हूं. अच्छा? हाँ. खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि जो वीर ज़ारा फिल्म है ना, वो मेरी लव स्टोरी पे बनी है. अच्छा, अच्छा. हाँ, नहीं यकीन आता तो देखो शाहरुख वाला पोज अभी बनाकर दिखा देता हूँ मैं तुम्हें. ज्यादा ना खोले कहीं शाहरुख बिखर ना जाए टूट के. आधे स्पेयर पार्ट धोती में गिरने, आधे कुर्ते में, पता नहीं लगना शाहरुख खान क्या. मेरा तो दिल करता है मैं जम्मी से एक बात पूछूं. पूछ लूं? कहा पूछ लीजिए जम्मी. हाँ, मुझे एक बात पूछनी है तुमसे. हाँ जी. कि तुमने पक्का डिसाइड कर लिया कि तुमने पाकिस्तानी लड़के के साथ शादी करनी है? हाँ जी, बिल्कुल. फिर मैं पाकिस्तान की इमिग्रेशन ले लूं? उसकी जरूरत ही पड़ेगी क्योंकि आप वो 65-65 से ऊपर को वीजा फ्री है और 85 और 100 से ऊपर को वैसे हर चीज ही फ्री है. यार तुम तो कहते थे ये एक्टर है, इसको तो एम्बेसी की पूरी नॉलेज है. अंकल देखिए, आप पाकिस्तान जाएंगे, जाते जाते आप भोपाल भी नहीं पहुंचना, आपका काम हो जाना. तो हम जाएंगे वहां लखनऊ, भोपाल आएगा ही नहीं बीच में. बड़े ढीठ है अंकल ये. खैर, मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जल्दी जल्दी मिल जाएं. आप क्या बात की पापा, दिल जीत लिया आपने यार, तो तालीम के लिए. वाह वाह वाह. एक बात तो अली भाई अंकल ने बड़ी सही कही, क्योंकि इतने सालों से हमारा लेन देन चल रहा है, मुझे लगता है कि एक हो जाना चाहिए हिंदुस्तान पाकिस्तान को. लेन ही लेन चल रहा है जी, देन काहे का. पहले रीना रॉय ले गए, बाद में सानिया मिर्जा ले गए, अब जमी तैयार बैठी है. चलो कोई बात नहीं, अगर प्यार हो तो क्या करें, आपकी बेटी जैसी आशीर्वाद दीजिए. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं नहीं, पोती जैसी, बेटी जैसी. पोती की बच्ची जैसी है. आशीर्वाद के लिए हाथ ना खड़ा कीजिएगा. तो मेरा फोन आ रहा है. मेरा फोन आ रहा है. आशीर्वाद दे के जाइए. मैं लाया नहीं हूँ साथ में, घर में भूल गया, जल्दी जल्दी आ गया. पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं. दिल टोटे टोटे हो गया. ये बड़ा झूठ बोलते हैं अंकल. कोई भी आता कहते हैं ये मेरे नौ ने बड़े पुराने हैं, अभी कह रहे थे मैं पाकिस्तान में भी रहा हूँ, कितने झूठे. लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा अंकल, जितने ही झूठे हों भले ही, लेकिन यहाँ पे जो फैंस बैठे हूँ आपके, वो बड़े सच्चे फैंस हैं. सो आप लोगों में से जो भी यामी या अली से बात करना चाहते हैं, वो एक एक करके अपने दिल की बात कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं. जी Hi Kapil. Hi Ali. Hi Yami. Hello. Okay, first of all, Ali, I'm a huge fan of yours. और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और आपके आने वाली मूवी के लिए मैं आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. अरे शुक्रिया माता जी. मेरा क्वेश्चन अली से ही है. जी. अली, आपने अपनी सारी मूवीज में लड़की को पटाने के लिए इतने पापड़ बेले हैं, तो रियल लाइफ में आपने अपनी वाइफ को पटाने के लिए कितने पापड़ बेले? ज्यादा बेले नहीं पड़े. जब मैं तस्वीरें बनाता था तो अपनी तस्वीर बनवाने आई थी. अच्छा. तो बनाते बनाते मैंने उनको अपनी जिंदगी में फ्रेम कर लिया. मतलब क्या बात है. मतलब स्केच मुफ्त देके. हाँ जी. पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली. ऐसा ही कुछ. बड़े चला गए पाजी, भले पाकिस्तान में रहते हैं तो पंजाबी ना. पीछे पड़ गए होंगे कि आपका स्केच बनाता हूँ, क्या लग रही है आप, बस हो गया. जेपी, तो आपको जब पता है कि ही इज ऑलरेडी मैरिड, फिर भी ह्यूज ह्यूज लव यू लव यू लव यू, व्हाट इज लव इज ब्लाइंड. अच्छा. किसी से भी हो सकता है, पूछ के तो नहीं होता. लव लव इज ब्लाइंड मतलब प्यार अंधा होता है. देखा तो आपने पूरा टैंक करके भी अली बाहर बैठा हुआ. नहीं दिखी. अच्छा, क्या नाम बताया? प्रियंका. प्रियंका, क्या करती हैं आप? मैं पढ़ रही हूँ.
कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? थर्ड ईयर बीकॉम। यही पढ़ाया जाता है कि शादीशुदा मर्दों को जाके आई लव यू बोलो? बीकॉम थर्ड ईयर में? हाँ जी। अकेली आई सहेलियों के साथ? फ्रेंड आए एक साथ। कहाँ है फ्रेंड? ये रहा। हाउ आर यू फ्रेंड? आप क्या करते हैं? आप भी पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ सर। आप भी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। आप क्या करना चाहती हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद? पता नहीं अभी तक, मतलब मुझे अली के साथ एक्टिंग करनी है। ध्यान तो आपका अली की तरह, बीकॉम कहाँ जा रही है आपकी? वो तो बस अभी ऐसे ही। तो आप बीकॉम कंप्लीट करने के बाद अली के साथ एक्टिंग करना चाहती हैं? आपको ये मौका मैं अभी दे देता हूँ, बीकॉम होती रहेगी। आइए दो मिनट। चलिए आप और अली के साथ अभी एक सीन बना लेते हैं। अभी भी आपने देखा मॉल में लड़का आपको प्रपोज करना, आपको अच्छा लगा, बात खत्म। और पीछे पापा में आपके वो अभी आपको पता नहीं है, चलेगा ना? यम्मी मम्मी, यम्मी मम्मी, कम ऑन। हाँ बेटा बोलो। जी आप बोलो तो बजाओ। आपके बोलता सही होती रहे। आपका बेटा की? आपका बेटा उनसे मिलना है मुझे। हैं? इत्थे आ जरा। मुझे आपका बेटा पसंद आ गया है। अच्छा? हाँ जी। तो होने दे। हाँ जी। फिर क्या पसंद है बेटे में? पूरा आपका पूरा बेटा पसंद आ गया है। ये मेरे ताया हैं, इनसे भी जरा थोड़ा सा सलाम। हाँ बेटा, घर से बीकॉम करने आई थी, ये कौन से कॉम कर रही है यहाँ पे? सरसिकाल ताई जी। ताई जी, ताया जी, ताया जी। हाँ तो क्या देखा लड़के में आपने? पूरा का पूरा लड़का देख लिया। पूरे का पूरा वो कैसे देख लिया? बस चल रहा था, घूम रहा था मॉल में, पसंद आ गया। चलती तो हमारी मोपट भी है, तो उसको भी जाके प्यार करोगी? नहीं, प्यार लड़की है क्या? एक्सरे मशीन की लड़की है क्या? एक्सरे मशीन है। चलिए थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आप माइक लीजिए। थैंक यू। जी और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, ये तीखे लाल है। हाय कपिल सर, हाय अली सर, हाय आई एम एवन। हेलो। मेरा क्वेश्चन अली सर से कि उनकी जो मूवी आई थी मेरे ब्रदर की दुल्हन, तो मैंने मेरे भाई की शादी में बहुत अच्छा डांस किया था, तो मैं उनके साथ डांस करना चाहूंगा। मैंने पहले वो डांस वाले लग रहे हैं। आ जा। पहले थोड़ी देर बैठ जाओ, इतनी दूर से आए, थके हो गए, बैठ जाओ। कौन से गाने पे डांस करना चाहते हैं? मधुबाला। भाई की शादी में भी उसी गाने पे डांस किया था? हाँ। तो वहां पे अप्रिशिएट किया लोगों ने? बहुत 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 अप्रिशिएट किया। तो उसी मतलब हौसले की वजह से आप आज यहाँ पे? हाँ, मैं आज सर के साथ परफॉर्म करना चाहता हूँ। जी प्लीज, ट्रैक प्ले किया जाए भाई साहब की फरमाइश पे, मधुबाला का। बाहर आ गई। वैसे भाई के गाने, भाई की शादी पे यही डांस किया था? भाई की शादी की खास खुशी नहीं थी आपको? खुशी नहीं थी, लेकिन ये सर गाना, मैं का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैंने एक गाना पे इतना अच्छा डांस किया था कि आज सर आए तो मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। ऐसे डांस से लोगों की शादी में भी टूट सकती है। नहीं टूटेगी। नहीं टूटेगी। चलो भगवान ना करे ऐसा कभी, पर आप मजाक लेके कर रहे थे अपना डांस, उन्होंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज अली, आप
और कोई हमारे दोस्त जो अली से यामी से बात करना चाहते हैं? हेलो कपिल सर। हाय। हेलो यामी मैम। हेलो अली सर। मेरा क्वेश्चन यामी मैम से है। मैम आपने टीवी पे बहुत से एडवर्टाइजमेंट्स किए हैं, अगर आपको कपिल सर को बेचना हो तो आप कैसे बेचोगे? कुछ चीजें बिकाऊ नहीं होती। ये कोई टिकट है ब्लैक में बेचनी है? आज तो ब्लैक में बिक रही है। जैसे आप टीवी, जैसे आप एड्स में बेचती हैं, आइए आपका अपना कॉमेडी नाइट्स वाला कपिल, आज ही खरीदिए, 100 रुपए में 3, 100 रुपए में 3। ये कौन सी एड है? ये वाली कौन सी? मैं रात को वो देखता हूँ, टीवी से नहीं आती। पहले मैं काफी मोटा था। उसमें जरूर चांस है आपका। उन एड्स में जरूर चांस है आपका। उसमें भी दबा दबा के झूठ बोलते हैं उन एड्स में जो रात को आती ना। पहले मेरी शादी नहीं हो रही थी, फिर मेरी सहेली ने मुझे यंत्र के बारे में बताया, वाह, उसके बाद धड़ाधड़ शादियां हो रही हैं। चलो मुझे नहीं बेचना यामी, कम से कम ये तो कर सकते हैं कि देखिए कॉमेडी नाइट्स की प्रमोशन करने हम कहीं जा नहीं सकते, तो मैं चाहूंगा कि अगर यामी अगर आई है तो ये स्पेशलिस्ट है एड्स में, हमारी कॉमेडी नाइट्स की एड करनी हो तो कैसे करेंगी आप? एक्शन बोलिए। एक्शन। क्या आप जानना चाहते हैं मेरी गोरी त्वचा और काले बालों का राज? देखिए, पहले मैं बहुत सुस्त थी, मैं बहुत दुखी थी, फिर मैंने देखा कॉमेडी नाइट्स विद सर। देखिए कैसे मेरे हंसी के बैक्टीरिया बाहर निकल आए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के साथ। तो आप भी देखिए मेरे साथ। Do you guys want to watch? लास्ट वाली लाइन गलत हो गई। आप भी देखिए मेरे साथ। आपके साथ होंगे तो कॉमेडी कौन देखेगा? सब आपकी तरफ देखेंगे। शुक्रिया मुझे खड़े खड़े बिकवाने के लिए। बहुत <मा? laughs> अरे वाह बेटा, आपने बताया नहीं कि घर में मेहमान आए हुए हैं। हमारे घर में क्या क्या होता है आपको बताना जरूरी है क्या? आप बताए या ना बताए, आई कैन सी। बेटा मैं बैठ जाऊं? बैठ जाओ, मना भी करती हो तब भी कौन सा हटेंगी, आप बैठ ही जाती। नहीं बेटा यामी। हाँ जी। एक क्या है कि मैं आपको बड़ा पसंद करती हूँ। थैंक यू। देखिए आप कितना भी चाहें कि आपका रिश्ता जो है ये अली के साथ हो जाए, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। अच्छा। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा रिश्ता अमिताभ बच्चन के साथ हो जाए, लेकिन ऊपर वाला चाहता था कि मेरा रिश्ता पलक के पापा के साथ हो, तो पलक के पापा के साथ हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से आप भी ना इनका पीछा छोड़ दीजिए, आपको अच्छा सा लड़का अपने आप के लिए ढूंढ लीजिए बस। आप कौन होती है यामी को सलाह देने वाली? नहीं सलाह सिर्फ इनको नहीं दे रही हूँ। सिर्फ इनको नहीं, सलाह मैं अभी को भी दे रही हूँ। देखो बेटा आप भी ना, अगर यामी आपके लाइफ में नहीं आ रही है तो इन्हें छोड़ दो, कोई अच्छी सी पलक ढूंढ के उससे शादी कर लो। उससे शादी करने से अच्छा सीमेंट और रेत घोलने वाला मिक्सर होता है ना, उससे शादी कर लेना। आपको एक अच्छी सी बीवी नहीं मिली है तो एक अच्छे से लड़के को एक अच्छी सी लड़की ना मिले, ये चाह रहे ना आप? अच्छा भला दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं, बीच में पलक डाले दोबारा दुश्मनी करा दे हमारी। देखिए एक बार पलक की विदाई हो जाए देश के बारे में भी सोच लूंगी मैं। इसमें पलक भेजना, लोगों को ना टैंक भेज दिया। वो लड़की है? अरे एक मिनट देखिए, अब देश से याद आया बेटा, आप मुझे बताएंगे कि आप करते क्या है बेटा? मैं बड़ा कुछ कर लेता हूँ, टाइम पे डिपेंड करता है। ये मुंह पे मुक्का भी मार लेते हैं। भी आप सारी दुनिया को बताओ एक्टर है सिंगर है, आपको नहीं पता है? नहीं बेटा वो तो आप भी है, लेकिन है तो बेरोजगार ना। मेरे पूछने का मतलब है कि बेटा आप करते क्या है, जैसे अगर कोई हमसे पूछे, मुझसे पूछे कि मैं क्या करती हूँ, तो मैं बताती हूँ कि मैं गोबर के ओपले बनाती हूँ। और आपको ये जान के खुशी होगी गोबर भी इनकी अपनी फैमिली का होता है। देखिए मिस्टर शर्मा, टॉक टू माई फुट। बिच्चू
बिल्कुल सही कह रहे। ये मोटी यहाँ क्या कर रही है? एक मिनट भाई, हमें मोटी कहने वाली, पहले जरा अपने आप को देखिए। जब दूर से आती है ऐसा लगता है कि ऋषि कपूर सलवार कमीज में आया है। क्या कर रहे हो? हाँ ठीक है, और तुझे देख के ऐसे लगता है जो ऋषि कपूर आ रहा है ना, तुझे देख के वापस चला गया। पता क्या करने आई है तू? भाई यहाँ पर मैं अपनी बेटी पलक का रिश्ता अली जी के साथ तय करने आई हूँ। इसके बीच में अगर आप डिस्टर्ब ना करें तो बेहतर होगा। यहाँ मेरी बच्ची कवारी बैठी है और ये सांड आई है अपना माल बेचने के लिए। बोलो। देखिए पलक के लिए यही लड़का बेस्ट है। बेटा मैं आपको बताती हूँ, आपको बता दू, मेरी बेटी 15 साल स्कूल और 7 सालों से कॉलेज में पढ़ी है बस। अरे मेरी बेटी तो पिछले 45 साल से कुवारी घर में पड़ी है। अब बोल, उसे देखने के लिए तो 72 रिश्ते भी आए थे। अरे थोड़ी स्पेलिंग में गलती हो गई, 72 नहीं, बहुत ही 72 रिश्ते आए थे आपकी बेटी। अब देखिए आपको मैं अपनी बेटी के टैलेंट के बारे में क्या बताऊं। बेटी मेरी जो है नारियल लेके यूं बगल में डाल के फोड़ देती है नारियल। अरे क्या फोड़ देती है, उसका सर ही नारियल की तरह है अली। इसकी बातों में मत जा, तू चुपचाप क्यों बैठा है? क्या हुआ? तू तो कोई ऐसी बात बता जो हमारी पिंकी कर सकती हो और इसकी पलक ना। हाँ, कर सकती हमारी पिंकी बुआ मुंह से ट्रक खींच लेती है, और जब ट्रक आता ना इसको देखता तो ट्रक इधर मुंह कर देता, कूड़े ट्रक आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। अब बोल मोटी। अरे बोल बोल, क्या बेवड़ी मुझे क्या बोलवा रही है? तूने मुझे ब्योरी कहा? क्या कहा तूने मुझे? बेवड़ी। अरे दाढ़ी वाली चुड़ैल, अपने आप को देख। अरे देखो, हाँ गालियां मुझे आती है नहीं, लड़ लेते हैं। अच्छा। I'm so sorry, अली भाई। तुम ठीक हो? इमोशनल हो गए थोड़ा। आ जाओ, बाल थोड़े संभाल लो। अभी आ जाओ। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी आपको कुछ करना भी नहीं है, जो करना है हमारे दर्शकों ने करना है। तो इनकी फिल्म रिलीज हो रही है टोटल स्यापा। हमने कोशिश की थी कि इनका स्यापा थोड़ा सा कवर अप किया जाए, लेकिन हमारे अपने घर में इतना स्यापा क्या किया दोनों बुढ़िया ने आज। वी आर सो सॉरी। सो आपकी आने वाली फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पूरी सॉरी, ये पोजीशन तो मैंने कभी नहीं देखी। एक बार जोरदार तालियां अली जफर और यामी गौतम के लिए। लेकिन जो भी हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले ऐसा तो हो नहीं सकता कि अली की तरफ से एक गर्मा गर्म तड़कता फड़कता गाना ना हो। ठोको ताली जरा जोरदार।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.